नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है, मैं श्री राजस्थान से हूँ। तो मैं जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी ऑल बाय वॉक करो यानी पैदल यात्रा, तो आज उसका 35वां दिन है। तो अभी मैं इस ढाबे से निकल रहा हूँ, मतलब इस रात पे मैं आ रहा था ढाबे पर, तो जो भैया आते हैं मेरी बहुत हेल्प की, तो उनका भाई आपका नाम बता दे वापस, रोहतास चौधरी। तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, अभी 9:30 बज रहे हैं, तो कुछ और मतलब यहाँ काम करने वाले हैं, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, तो उनसे भी मिलते एक बार। आपका नाम बता दो। विक्रम सिंह राठौर, कारीगर। आपका? अमन कुमार। आप दोनों इधर ही काम करते हो? तो ये जो भाई है, इनके छोटे भाई यहाँ, आपके छोटे भाई ना, तो इनके छोटे भाई यहाँ मतलब रहते हैं, तो वो भी कुछ काम के लिए या कोई मतलब ऐसी छुट्टी बनाने के लिए घर पे गया, तो ये भाई है तो ये रहते हैं, तो रात को मेरा बहुत हेल्प किया, क्योंकि मैं दूध पी लिया एकदम और मैं तैयार हो चुका हूँ, और मेरा कुछ सामान था मतलब, तो मतलब कोई काम का नहीं था, तो भाई के मतलब अपने कोई होंगे कॉन्टेक्ट करके उन्होंने मेरा मतलब सामान घर तक मतलब भिजवा दिया है, तो मेरे लिए अच्छा रहा, क्योंकि मैं थोड़ा सामान कम हो गया तो अच्छा रहेगा। और बाकी ठीक है, चलते हैं भाई से, आज फिर कभी मिलेंगे भाई। तो अभी मैं उस ढाबे से निकला ही ताकि एक भाई मिले, भाई ने स्पेशल मेरे लिए वो ट्रक रोकी है, मतलब भाई ने बोला कि मैंने आपको यूट्यूब पे देखा था, तो मुझे अच्छा लगा ऐसे रोकी मेरे लिए ट्रक। तो भाई का पहला नाम पूछते फिर कहाँ से उनसे, भाई आपका नाम पहले बता दो। संदीप। संदीप आप कहाँ से हो? श्यापुर पंजाब। मतलब अभी आप बॉम्बे की तरफ जा रहे हो ना? बॉम्बे। तो भाई अभी बॉम्बे की तरफ जा रहे हैं, तो भाई ने मेरे लिए ट्रक लगी तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार। भाई सैल्यूट है भाई, डन है। आसलू गांव आया है, तो चलते हैं आसलू गांव को पार करते हैं। अभी मैं 2-3 किलोमीटर पार कर लिया है, बाकी ठीक है चलते। और ये 11:30 बज रहे हैं और सुबह से मैंने 7-8 किलोमीटर कवर कर लिया है। वहाँ पर एक चाय की टपरी आ रही है, चाय तो पियेंगे नहीं तो थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर निकलेंगे आगे। आज पता नहीं आज कहाँ जाना है, चूरू के अंदर मैं जाऊँगा नहीं, चूरू से बाईपास होते हुए मैं बार बार जाऊँगा, और देखी के जहाँ मतलब शाम हो जाएगी वहाँ रह लेंगे। चलते आज दोपहर के 1 बज रहे हैं, चलते हैं 10-12 किलोमीटर और चलते हैं, फिर देखेंगे आसपास कोई ढाबा वगैरह और मंदिर वगैरह, चलते हैं। जय माता जी। अभी 5 बज रहे हैं, 4:30 बजे मैं एक रिसोर्ट है यहाँ पर, तो यहाँ चाय की टपरी है, यहाँ पर मैं आया था। भाई से पूछा कि यहाँ पर 3-4 किलोमीटर पर कोई मंदिर या गुरुद्वारा है जहाँ पर मुझे रहना स्टे करना है, तो भाई ने बोला कि इधर ही रह जाओ। ये भाई मतलब ये इनका टी स्टॉल ही है ना, ये कौन सा आदित्य रिसोर्ट एंड, तो इनका टी स्टॉल है, तो यहाँ पर वो काम करते हैं, तो पीछे इनके रूम बने हुए हैं। तो भाई ने कहा हमारे यहाँ रह लो, और खाना भी मैंने खा लिया है इनके रिसोर्ट के अंदर ही, मैंने खाना खाया है। यहाँ पर भाई जो काम करते हैं उन्होंने कहा, उनको मतलब अच्छा लगा, मैंने उनको पहले बताया कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा यही स्टे कर लो और फिर ना लो तो लो मतलब आराम से। तो उस तरफ पीछे से रूम बने हुए ना, ये टी शर्ट इसके पीछे है और पीछे रूम बने हुए हैं, तो वहाँ पर आज रेस्ट करेंगे, फिर कल यहाँ से निकलेंगे सीकर की तरफ। तो सीकर कल नहीं पहुँच पाएंगे, सीकर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, तो कल कहीं बीच में रह लेंगे, तो देखेंगे कल भी ऐसा ही है भाई, मुसाफिर हैं हम, तो जहाँ मतलब शाम हो जाए माई डेरा डाल देते हैं। तो मैंने तो ऐसे अंकल, मैंने मतलब यहाँ के जो मालिक है उनसे भी मैंने बात की, तो उन्होंने पहले कहा कि कोई बात नहीं कि आप रह लो, कोई बात नहीं। मैंने तो कहा कि मुझे छोटी सी जगह दे दो गार्डन में, कैंपिंग टेंट लगा देता हूँ। तो कहा नहीं नहीं यार, कैंपिंग टेंट तू लगा तो लेगा, मैं तुझे दे दूँगा, पर रात को बहुत ठंड होती है, बहुत हद से ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पर, तो अंदर सोएगा तो ठीक रहेगा, तो वहाँ अंदर सो जाएंगे, बाकी अभी ना लेंगे, यहाँ सब सुविधा है। बाकी ये रोड ये रहा, चूरू रह गया पीछे, चूरू इस हाईवे से अंदर है 5 किलोमीटर अंदर, तो चूरू मैं अंदर नहीं गया, मैं बार ही बार आ गया और यहाँ से यहाँ आया था, फिर यहाँ से मैं जा रहा था आगे, मैंने कहा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, तो भाई से बात हो गई, तो यही मैं स्टे कर लिया आज, फिर कल यहाँ से निकलेंगे आगे, कल यहाँ से आगे निकलेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तो मैं मिलता हूँ आपको जब अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय भोलेनाथ।